हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 10 बजे है और हमारी स्कूल शुरू 9 बजे ही होती है। इसका मतलब हम लेट हो गए हैं स्कूल के लिए, वो भी आदम शाशा की वजह से। वो देर रात तक शकुरी से बात करते रहते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। अबे नुबड़े, क्या झूठ बोल रहा है। तेरी वजह से हम रात को जल्दी सो नहीं पाते क्योंकि तू देर रात तक फुल वॉल्यूम पे पोगो देखता है। चल अब स्कूल जाना है। इपू कहाँ है? अरे बाबू मोसाई, 2 मिनट रुको, मैं आधे घंटे में आता हूँ। अबे हम पहले से 1 घंटा लेट हो गए हैं और तू बोल रहा है आधे घंटे बाद आऊंगा। ठीक है ब्रो, तो 5 मिनट रुक, मैं 20 मिनट में आता हूँ। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, ये ले ग्रेनेड खा और टॉयलेट से बाहर आ। और रिलैक्स रिलैक्स चाचा, आप तो गुस्सा हो गए, अब खड़े क्या हो, चलो स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। ये नुबड़ा ऐसा ही है चाचा, पहले आधा घंटा घर के टॉयलेट में बिताता है, फिर स्कूल जाके आधा घंटा स्कूल के टॉयलेट में बिताएगा। हाँ ब्रो, ये जी शौक है बचपन से, बड़े अमीरों वाले शौक है तेरे तो। और चाचा थोड़ा धीरे चला, वरना हम स्कूल नहीं सीधा लॉबी पहुँचेंगे। हाँ चाचा, और एक तो आप रॉन्ग साइड चला रहे हो, राइट साइड चलाओ वरना सिंघम साहब पकड़ लेंगे। ये ले आ गए बस। अरे आज तो जो भी स्टूडेंट स्कूल पे लेट पहुँचे उनकी खैर नहीं। जल्दी सड़ो सासा, वरना वो खड़ू सर हमें पनिशमेंट देगा। अरे धटेड़ी की, ये सर तो इधर ही खड़ा है, इसको चढ़ पीछे आ पीछे। अरे थ्री इडियट्स, तुम लोग आज भी लेट आए, अब तो तुम लोगों को झोंड के बाहर छोड़ दूंगा, फिर मेड किट भी ना दूंगा। सर इतनी खतरनाक पनिशमेंट, मेरा एसपी तो अभी से लो होने लगा। ओए सर सॉरी, मैं आज लेट हो गया, प्लीज मुझे क्लास में जाने दो सर। अरे नहीं भाई, क्लास में तो ना जाने दूंगा, बल्कि पनिशमेंट मिलेगी। ओए कोई बात नहीं सर, मैं आज तो फ्री लाया हूँ, पर मैं बाजू के स्कूल में एडमिशन ले लूंगा। अरे ना बेटा ना, तू तो हमारी स्कूल का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ऐसे ना जाने दूंगा। जा बेटा, जी खोल के पढ़ाई कर और सकुरी के बाजू में बैठना फर्स्ट बेंच पे। ओए थैंक यू सर, अब तो सकुरी मेरी है, सिर्फ मेरी। और भाई तुम तीनों लाए सो के फीस, मालूम से ना आज आखिरी दिन से फीस जमा करने का। अरे सर वो इस साल पापा को बिजनेस में थोड़ा लॉस है, पर अगले मंथ पक्का फीस जमा कर देंगे, तो अभी मुझे क्लास में जाने दो सर। अरे ना भाई, तब तू भी अगले मंथ आइयो फीस के साथ, तब जाने दूंगा क्लास में। पर सर मेरी 1 मंथ की पढ़ाई छूट जाएगी। अरे बेटे, हमारे यहाँ पढ़ाई इम्पोर्टेंट ना होवे से, बल्कि स्कूल की फीस भरना इम्पोर्टेंट होवे से। रेड क्रिमिनल, तू तो फीस लाया से ने, थारे पापा के पास तो बहुत पैसा से। अरे सर पैसे है नहीं थे, क्योंकि कल रात पापा शेयर बाजार में लूट गए, अभी सब उनको ढूंढ रहे हैं। अगर आपको उनका कॉल आए तो आप उनको उधार में पैसा मत देना, पेड़ ही बोल रहा हूँ। अरे भाई मुझे तो कल रात ही उनका कॉल आया था और मैंने 1.5 लाख रुपए दिए उन्हें उधार पे, तो अब कहाँ से थारा पापा। अरे वो तो अंडरग्राउंड है अभी, इप्पू के पापा के साथ, उन्हें पुलिस ढूंढ रही है ना अभी, इसीलिए। अरे भाई पुलिस क्यों ढूंढ रही से? अरे सर बताता है ना, मैं बताता है, कॉल मेरे पापा और रेड क्रिमिनल के पापा बैंक लूटने गए थे, तो भी वहाँ पे पुलिस आ गए, फिर मेरे पापा गोला छोड़ के भाग गए। अरे से अच्छे विचार आते कहाँ से है? अरे सर मेरा आइडिया था ये, मैंने ही पापा को बैंक लूटने का सजेशन दिया था। अरे भाई तब तो तन्ने शाबाशी देना बनता से, इले शाबाशी। अरे भाग क्रिमिनल भाग। हाँ शाशा, ये सर तो सठिया गया है। बाबू मोसाई मुझे भी लेते जाओ, वरना ये सर मुझे लॉबी में भेज देगा। अबे सारे ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, सर बैठ जाए। आदम शाशा चलो, अब कहीं से पैसों का जुगाड़ करते हैं, फिर फीस सर के मुंह पे मारेंगे। अरे यार हम तीनों के मिला के 6 लाख रुपए होते हैं फीस के, इतने ज्यादा पैसे हम कहाँ से लाएंगे। अरे शाशा मैंने टीवी पर एक शो देखा है, डांस करो और पैसे कमाओ, सड़ते लागू वहाँ सड़ते है। हाँ बाबू मोसाई ये हो सकता है, ठुमके मार के पैसे कमा लेंगे। और डांस करो और पैसे कमाओ, शर्ते लागू और जज साहब आपको पाई लागू। तो चलो पहले डांसर स्टेज पे आए और अपना जलवा दिखाए। अरे ये का किया, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिए, ए सोटू निकाल इसको। ठीक है साहब जी, अभी आया। अरे इससे तो छपरी टुक टुक कर वाली बू आती है, ये देख मैं भी तेरी तरह ठुमके मारने लगा हूँ, तेरी वीडियोस देख के मेरी भी कमर लचीली हो गई है, चल अब 1 टेप खा और लॉबी में जा। अरे सासा अगर हम भी ऐसा नहीं नाचे तो सोटू हमें भी लॉबी में भेज देगा। अच्छा तो ये शर्तें लागू थी? अरे जज साहब इन सबको छोड़ो, आप मेरा डांस देखो। अरे
अरे सासा मुझे लगता है यही विनर बनेगा। देखा रज कैसे वाइब ले रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, अभी इस पे गोला छोड़ के इसको आउट कर देता हुआ। अरे ये क्या हुआ यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे तो डर लग रहा है। ओए नहीं वही, ऐसे बड़े बड़े शो में ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। ठीक है चल मैं जाता है। बाबू मौसा इसका कुछ करो वरना यही विनर होगा। अरे मैं अभी इसका गेम बजा के आता हूँ। अरे ये कौन हमरे डांसर्स का गेम बजा रहा है, छोटू जरा देख तो। मालिक ये लाल टट्टी हमारे डांसर्स की चटनी बना रहा है। अरे सासा बसा मुझे, ये भेड़म मुझे लॉबी में भेज देगा। ओए जज साहब सारे डांसर्स तो डर की वजह से घर भाग गए। ओए अरे हमें एक मौका दीजिए, हम बहुत अच्छा डांस करते हैं सर। अरे ठीक है तुम दोनों को एक मौका दिया तो चलो अब अपना जलवा। इसे पता नहीं था ये किससे पंगा ले रहा था, वहीं पटक के फोड़ दिया वेनम को। अरे क्रिमिनल मेरे इतने करीब मत आ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। सारे तेरी जबान बहुत लंबी है, बहुत बोलता है तू, निकल यहाँ से। अरे ये क्या, तुम सारे हमारे आदम शासा को नसवा रहे हो, अब सारो मैं तुम्हें नसवाऊंगा, सड़ो। अरे हम जज है, हम नाचते नहीं हम नचवाते हैं, समझा। अरे ये देखो मेरे पास है MP40, और चलो नाचो वरना निकाल दूंगा तुम्हारी पोटी। अरे नाचते हैं ना हम, नाचते हैं रिलैक्स। नूबड़े तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे लॉबी में भेजने की कोशिश की, अब तू नहीं बचेगा। अरे सासा बसाओ मेरे को, आप क्या कर रहे हो। बाबू मोसाय भागो। क्रिमिनल मुसीबत में कोई काम नहीं आता है। आ मेरी जान। चलो पहले सिंगर स्टेज पे आओ। अरे मैडम स्टेज पे आके क्या करूँगा, मैं गरीब हूँ। मगर क्यों? अरे वो मैंने होम लोन लेकर सारी इवोगन मैक्स करवाई थी, और अब लोन भरने का ही पैसा नहीं है तो बैंक वाले घर ले गए। अरे तुम्हारी तो बहुत सैड स्टोरी है, ये लो हमारे शो की तरफ से 1 करोड़ रुपया। बिल्कुल ठीक कहा, अब लोन भर देना। अरे थैंक यू मैडम, आपका ये एहसान मैं घर जाके ही भूल जाऊंगा। ये लो पैसा, अब जाओ गेम की सारी इवेंट्स निकाल लेना। ओके। अरे ये लड़की तो हमें रोड पे लावेगी, पैसा देने का शौक से तो अपने दे, शो के पैसे क्यों दे रही से, अब निकल यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। चल टोनी अब नया गाना बनाते हैं। अरे ये चली गई, अब नया जज कहाँ से लाएंगे। और यार आदम सासा और रेड क्रिमिनल तो मेरे से बिछड़ गए, अब क्या करूँगा। अरे सुन छोटे, हमारे शो में जज बनेगा। अरे
उसका पैसा दोगे क्या? हाँ भाई जरूर देंगे। तो फिर अब मैं जज बनेगा साला। चलो कंटेस्टेंट अपना टैलेंट दिखाओ। हेलो बनी सर, हेलो हिप्पो सर। हिप्पो सर आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो, आपकी तो बहुत बड़ी तस्वीर हमारे घर के फ्रिज में है। ओबे मुखर मत लगा, चल गाना शुरू कर। ओके सर। चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम, तूने तूने ओ ओ ओ नींद छुराई मेरी, किसने ओ सनम तूने तूने। अरे बस कर भाई रुक जा, गाना गा रहा है या थूक रहा है? थोड़ा पीछे से गा ले भाई। ओके सर। मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका, फवे तू है दुखी कहना है नजरों का, थू 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 थू। तो सर दैट्स इट, कैसी लगी आपको मेरी परफॉर्मेंस? ओगे नुबड़े गा रहा था कि थूक रहा था, मुझे पूरा भिगो दिया, इसीलिए उस नुबड़े प्रोड्यूसर ने मुझे जज बनाया। So that's it for the video guys। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं।